नमस्कार, मैं उस्मैन अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट के बाद ब्लॉक कर्मियों ने ब्लॉक में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। खबर चंदौली के चहनिया ब्लॉक मुख्यालय से, जहां पर मनरेगा सेल में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम प्रधान द्वारा मारपीट करने का कारण ब्लॉक कर्मचारियों काम बंद व तालाबंदी कर धरने पर उतर आए। दरअसल ब्लॉक के पिपोरा गांव में प्रधान गोपाल सिंह कुछ दिनों से ऑपरेटर कृष्ण कुमार से मास्टर रोल की मांग कर रहे थे, लेकिन वीडियो के साइन न होने के कारण कृष्ण कुमार नहीं दे पाए, जिससे उग्र ग्राम प्रधान द्वारा ऑपरेटर से मारपीट किया गया। बाद में पुलिस द्वारा पत्र लिया जाने और मुकदमे जल्द कार्रवाई के बाद पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। विकास खंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, इसके विषय में क्या कह रहे हैं? धरना प्रदर्शन होने का कारण यह है कि ग्राम प्रधान पपौरा द्वारा कल शाम को कार्यालय में घुसते ही पूरा काम का ब्लॉक चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर मनरेगा सेल कल दिनांक। आप लोग विकास खंड में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताएं। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि कल शाम को ग्राम प्रधान पपौरा और उनके सहयोगी द्वारा मनरेगा सेल में घुस कर मनरेगा की पत्रोली मांग रहे थे, जिसमें वीडियो साहब के साइन न होने के कारण मेरे द्वारा पत्रोली देने से इनकार किया गया और उनके द्वारा मुझे गाली गलौज देते हुए मारपीट पूरा जान से मारने की धमकी दी गई, मारने का प्रयास किया गया और सारे कंप्यूटर लैपटॉप सब तोड़ दिए गए और सारी पत्रोलियाँ फाड़ दी गई हैं, जो सारे मनरेगा की पत्रोली नष्ट हो चुकी हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी आप? मेरे द्वारा FIR करा दी गई है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग कार्य करने में हेतु असमर्थ रहेंगे।